जुल्फी जावेद को कौन नहीं जानता, जो अपने अतरंगी कपड़ों से हमेशा चर्चा में रहती है। कभी जूट की बोरी तो कभी पेप्सी कैन का ढक्कन, हर किसी चीज से अपना आउटफिट बना लेती है, लेकिन यही आउटफिट उन्हें लीगल ट्रबल में फंसा देगा, ये किसे पता था। उर्फी की तरह कुछ सेलेब्स ऐसे होते हैं जो अपने फिल्मी करियर में किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसे, लेकिन जनाब यह बहुत मुश्किल है। आए दिन कोई ना कोई बड़ी हस्ती किसी कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में आ ही जाती है, या अपने ही किसी ऊटपटांग बयानबाजी के चक्कर में, पुलिस के शिकंजे में तो आ ही जाती है। तो आज हम आपको उन पॉपुलर हस्तियों के बारे में बताएंगे जो इस साल किसी वजह से कानूनी लफड़ों में फंस गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। बी टाउन हमेशा से लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा रहा है, कभी कोई खुशखबरी तो कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी। साल 2022 खत्म होने को है और कुछ टीवी सेलेब्स ऐसे भी थे जो गलत वजहों से सुर्खियां बटोर रहे थे, जैसे नौरा फतेही, निक्की तंबोली को एनसीबी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुलाने से लेकर कपिल शर्मा और उर्फी जावेद को कानूनी पछड़े में डालने तक। चलिए एक एक करके उन सभी के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला है साजिद खान। सबसे टॉप के सेलेब है नन अदर देन बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर साजिद खान, जिनके लिए किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हाउसफुल और हे बेबी जैसे कॉमेडी फिल्म बनाने वाले साजिद खान इस साल बिग बॉस के 16वें सीजन में नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर शर्लिन चोपड़ा ने #MeToo का आरोप लगाया था। बिग बॉस में एंट्री के बाद भी एक्ट्रेस ने साजिद के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे शो से हटाने की मांग भी की थी। फिलहाल साजिद अभी भी शो का हिस्सा है। दूसरी है निक्की तंबोली। महाठक कहे जाने वाले कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर को कौन नहीं जानता, जिसने न जाने कितनी बड़ी हस्तियों को ठगा। निक्की तंबोली का नाम भी सुकेश के साथ जोड़ा गया। जी हाँ, ईडी की एक चार्जशीट में तंबोली का नाम सामने आया था, जिसके अकॉर्डिंग निक्की को 3.5 लाख रुपए और एक शानदार गुची बैग गिफ्ट किया गया था, है ना हैरानी वाली बात। तीसरा है राखी सावंत। राखी सावंत को बिग बॉस छोड़े हुए कितना समय हो चुका है, लेकिन क्या कभी राखी न्यूज से बाहर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हाल ही में साजिद पर लगे #MeToo के आरोपों के बाद राखी ने साजिद का साथ जो दिया था। राखी शर्लिन के खिलाफ जाकर बॉलीवुड के सपोर्ट में उतरी और तो और शर्लिन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। अगले हैं कपिल शर्मा। कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा ने तो हद ही पार कर दी। दरअसल कनाडा के 6 फंक्शंस में परफॉर्म करने के लिए कपिल ने एडवांस तो ले लिया, पर सिर्फ 5 ही जगह परफॉर्म किया, जिसके खिलाफ एक फॉरेन कंपनी ने कपिल के खिलाफ केस दर्ज करवाया। खैर, सभी माओं के राजा बेटे कप्पू इन सभी झंझटों से बाहर आ गए हैं। नन अदर देन लास्ट है उर्फी जावेद। अब ये एक्ट्रेस की तो क्या ही बात कहने, लास्ट तो है बट लीस्ट नहीं। हाल ही में स्प्लिट्सविला के लेटेस्ट सीजन की सेंसेशन उर्फी जावेद भी कानूनी पछड़ों में फंस गई थी, और फंसे भी क्यों ना। आए दिन कभी सेफ्टी पिन, कॉटन कैंडी रेजर या सिर्फ मोबाइल फोन से बनी ड्रेस को पहनकर सोशल मीडिया पर आग जो लगा देती थी, लेकिन जनाब लगता है ये आग किसी को खास पसंद नहीं आई। बिग बॉस, OTT फेम और सोशल मीडिया स्टार को आमतौर पर अपने बोल्ड और यूनिक आउटफिट के लिए काफी ट्रोल किया जाता है, लेकिन भाई साहब मुंबई के एक वकील ने तो उर्फी के खिलाफ केस ही दर्ज करवा दिया। ये तो काफी छोटी सी बात है, उर्फी को सिर्फ लीगल केस की नहीं बल्कि रेप और जान से मारने की भी धमकी मिल चुकी है। अब इन सब सेलेब्स की कॉन्ट्रोवर्सी पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।